हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू ऑफ बॉलीवुड यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अंकित और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की स्टारर मूवी कल्कि 2898 एडी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस मूवी को अब सिनेमा घरों में आए हुए 9 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं। जानेंगे इस मूवी ने अपने 9 दिनों में इंडिया के साथ साथ दुनिया भर से कितने रुपए की कमाई कर ली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको मूवीज के साथ साथ बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हुई छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रभास की लेटेस्ट रिलीज मूवी कल्कि 2898 एडी 27 जून को सबसे बड़े प्री सेल रिकॉर्ड के साथ 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फिल्म रिलीज के पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई कर रही है और इसने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। अब ये मूवी दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है। प्रभास की स्टार मूवी कल्कि 2898 एडी इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। बड़े बजट की इस फिल्म का फीवर दर्शकों के सिर पर चढ़ा हुआ है और इसी के साथ कल्कि 2898 एडी मूवी को देखने के लिए सिनेमाघरों में ऑडियंस की खूब भीड़ नजर आ रही है। फिल्म ने पहले वीकेंड पर तो खूब कमाई की थी, वही वीकडेज में भी कल्कि 2898 एडी हर दिन 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर रही है। पहले हफ्ते में टिकट काउंटर पर गर्दा उड़ाने के बाद अब ये मूवी रिलीज के दूसरे हफ्ते में पहुंच गई है। कल्कि 2898 एडी के डे बाय डे कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने रिलीज के पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 95 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई करके अपना खाता खोला, जिसमें इस मूवी ने तेलुगु भाषा से 65 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए, तमिल भाषा से 4 करोड़ 50 लाख रुपए, हिंदी भाषा से 22 करोड़ 50 लाख रुपए, कन्नड़ भाषा से 30 लाख रुपए, वहीं मलयालम भाषा से 2 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन इस मूवी की कमाई में 37% की गिरावट आई और इस मूवी ने अपने दूसरे दिन 59 करोड़ 30 लाख रुपए का कारोबार किया। तीसरे दिन इस मूवी की कमाई में 11% का उछाल आया और इसने 66 करोड़ 20 लाख रुपए का कारोबार किया। चौथे दिन इस मूवी ने 88 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए, पांचवे दिन 34 करोड़ 15 लाख रुपए, छठे दिन 27 करोड़ 5 लाख रुपए, सातवें दिन 22 करोड़ 25 लाख रुपए, आठवें दिन 22 करोड़ 40 लाख रुपए। इस तरह से इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला वीक कंप्लीट किया और अपने पहले वीक में टोटल 414 करोड़ 85 लाख रुपए का कारोबार किया। वहीं दोस्तों, अब इस मूवी के 9वें दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक कल्कि 2898 एडी मूवी ने अपने 9वें दिन 17 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की है, जहां इस मूवी ने तेलुगु भाषा से 6 करोड़ रुपए कमाए हैं, तमिल भाषा से 1 करोड़ रुपए, हिंदी भाषा से 9 करोड़ 35 लाख रुपए, कन्नड़ भाषा से 20 लाख रुपए, वहीं मलयालम भाषा से 70 लाख रुपए का कारोबार किया है। कल्कि 2898 एडी मूवी के सभी भाषाओं की कमाई के बारे में बात करें तो इस मूवी ने अपने 9 दिनों में तेलुगु भाषा से 218 करोड़ 25 लाख रुपए का कारोबार किया है, तमिल भाषा से इस मूवी ने 24 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए हैं, हिंदी भाषा से 171 करोड़ 85 लाख रुपए, कन्नड़ भाषा से 3 करोड़ रुपए और मलयालम भाषा से 14 करोड़ 90 लाख रुपए की कुल कमाई की है। कल्कि 2898 एडी मूवी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का अब टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 432 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया है। वहीं इस मूवी का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 494 करोड़ 50 लाख रुपए हो गया है। बात करें कल्कि 2898 एडी मूवी की दुनिया भर की कमाई के बारे में तो इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 677 करोड़ 50 लाख रुपए हो गया है। कल्कि 2898 एडी मूवी की कमाई में 9वें दिन बेशक गिरावट आई है, लेकिन इस फिल्म ने प्रभास की साल 2015 की रिलीज हुई मूवी बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। इसी के साथ कल्कि 2898 एडी हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवी की लिस्ट में 8वीं पोजीशन पर आ गई है। वही कल्कि 2898 एडी मूवी ने पठान के 9वें दिन का कलेक्शन भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। कल्कि 2898 एडी मूवी ने जहां 9वें दिन 17 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, वहीं पठान मूवी की 9वें दिन की कुल कमाई 15 करोड़ रुपए रही थी। 600 करोड़ के बजट में बनी कल्कि 2898 एडी मूवी का निर्देशन नाग अश्विन ने किया है। फिल्म में प्रभास के अलावा अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और दिशा पटानी सहित कई कलाकारों ने दमदार रोल प्ले किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको
आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।